अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल फनान और एक दफा फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके दिन के अंदर हाजिर हूं। हम लोग जानेंगे कि हम कम से कम पैसों में बेहतर से बेहतर कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोगों को कारोबार में बहुत सारा मसला पेश आता है, लेकिन हमने दूसरे मसलों की तरह इस मसले को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज हम बहुत कम पैसों में बहुत ही ज्यादा बेहतर कारोबार लेकर आए हैं, तो बिना वक्त जाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं फैमिली के साथ। ये दो छोटे छोटे बच्चे जो उनसे ना इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या काम है। बेसिकली मैंने देखा है ये निमको का कारोबार है, जो उनसे ना आम बाज़ार में आपने देखी होगी निमको वगैरह बिकती है दुकानों पर 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन बहुत ही मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। चले इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये कितने में इन्होंने काम शुरू किया है और कितनी लागत आती है इस पर, और इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, हमें सबसे पहले बताएं कि इस काम के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसके ऊपर कितने पैसे लग जाएंगे। कम से कम पैसे के अंदर कोई शख्स काम को शुरू करना चाहे तो कितने पैसों में काम शुरू कर सकता है, थोड़ा सा इधर देखते हुए। इस काम के लिए हम कम से कम लागत के अंदर हम अच्छी इनकम कमा सकते हैं, और पार्ट टाइम हम इसे करते हैं। वैसे दिन के अंदर भी हम अपना काम जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, इसे बहुत ही कम टाइम लगता है। इसके ऊपर कुछ कम से कम हमारे पास इसके लिए स्टार्ट करने के लिए 2 से 2.5 हज़ार 3 हज़ार तक हमारे आता है। दोस्तों, आपने सुना भाई की बात कि सिर्फ 2500 3 हज़ार के अंदर आपका कारोबार ये काम जो सना कंटिन्यू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और आप काम करना शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें क्या क्या औजार इस्तेमाल होते हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। आज वो 25-3 हज़ार जो सर ये बता रहे हैं वो किस चीज़ पर खर्च होगा, तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हमें बेसिकली इसके लिए चाहिए होती है कुछ पैकिंग चाहिए होती है। जी, जैसे ये पैकिंग है, ये इस पैकिंग की आप बात कर रहे हैं। जी जी दोस्तों, ये पैकिंग है, पॉलीथीन के बैग है, बहुत शाइनिंग किस्म के बैग हैं। ये कुछ स्पेशल किस्म के बैग मुझे लग रहे हैं, इसका एक मखसूस साइज भी है। इसका क्या साइज है जी? 4x4 का ये साइज है इसका। 4x4 का साइज है। तो ये बाजार में किस तरह मिलती है? ये बाजार के अंदर 1 kg मिल जाती है हमें आसानी से 400-450 तक। ये 400-450 तक हमें ये प्लास्टिक बैग मिलेगा जी। इसके अलावा ये हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ क्वालिटियों में पड़े हुए हैं। कहते हैं जनरेशन वाला है, ये कराची निमको है, एक लाहौर निमको वाला भी मैंने देखा था यहाँ पे, ये लाहौर निमको भी है। तो ये अलग अलग किस्मों के होते हैं जी? जी, ये भी हमें साइज वाइज मिलते हैं, इसके अंदर डिफरेंट साइज होते हैं, उसी हिसाब से ये मिलते हैं। ये कितने के मिल जाते हैं हमें? ये 200 तक और 250 तक की रेंज में होते हैं, इसके डिफरेंट रेंजेस हैं। ये गते हैं जी, ये हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के हैं। इसके ऊपर कराची निमको लिखा है, इसके ऊपर जनरेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर लाहौरी निमको लिखा हुआ है। ये तो प्रॉपर काम कर रहे हैं, आप शुरू करने के लिए कोई एक भी ले सकते हैं। तो इनका कहना है कि ये सिर्फ 250 रुपये के जी तक बाजार से आम मिल जाते हैं। इसके अलावा जी और हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? इसके सबसे बेसिक तौर पर जिस चीज़ की हमें जरूरत होती है वो ये हमारा कंडा है, इसके ऊपर हम तोड़ते हैं। बोले इसको जरा, क्या हम आपको बोल के दिखाएंगे? ये इलेक्ट्रिक वेट करने वाली मशीन है जी, जिसे उर्दू जुबान में वो तकड़ी कंडा या कुछ भी आप लोग कहते होंगे। ये किसी भी चीज़ को वेट करने के लिए है, तो इसके ऊपर ये वेट करना होता है आपने हर किस्म का? इसके ऊपर हम अपने हर पैकेट पर पैकेट का वेट करते हैं, पर और वेट करके बनाते हैं इसके ऊपर, और एक हम हमने बनानी होती है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये क्या चीज़ है? ये मैंने देखा था गत्ता पड़ा हुआ, लंबे लंबे गत्ते पड़े हुए आप लोग बहुत सारे। ये क्या चीज़ है, इनको क्या करना होता है? इसके ऊपर हमारे 1 दर्जन यानी कि 1 दर्जन पैकेट लगते हैं इसके निमको के तैयार हो के। ये बाजार में कितने का मिलता है? ये आपको मिल जाते हैं 550 से लेके 80 तक के पर केजी। ये गत्ते की लंबी लंबी जो सी है ना, ये लड़ियाँ कटी हुई हैं। ये इनका कहना है कि ये 50। ये जी, इन्होंने एक लंबी वाली ये स्ट्रिप ली थी, इस स्ट्रिप को
अगर आप आसानी से इसके ऊपर लगा सकें तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, मगर वो क्योंकि ऑलरेडी काम को कर रहे हैं, उन्होंने इसको काट के सेंटर से दो पीस कर लिए हैं ताकि एक ही लड़ी को वो दो जगहों पर इस्तेमाल कर सके। ये भी एक बचत है, ठीक है, एक अच्छा आइडिया है। अच्छा, इसके अलावा जी ये निम्को मैं देख रहा था, ये निम्को पड़ी हुई है, ये नाजरीन निम्को है, खुली निम्को आपने देखी होगी, ये पड़ी हुई है। ये किस तरह मिलती है जी, कम से कम कोई शख्स कितनी इस्तेमाल, मैं पहले खा के चेक कर लूँ कि अच्छी भी है कि नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ताज़ा और खस्ता निम्को है। तो सर ये कहाँ से मिलेगी और कितने की मिलती है? ये मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर हमें मुख्तलिफ प्राइसेस में मिलती है। निम्को की क्वालिटी के ऊपर होता है, 700 से लेके 800 तक के अंदर हमें आसानी से ये मिल जाती है 5 kg। ये जी 5 kg का इसका पैकेट होता है, लेकिन ये तो भी इन्होंने दिखाने के लिए ज़रा थोड़ी रखी हुई है। 5 kg का पैकेट उनका कहना है जी कि 750 लेके 800 रुपये तक आपको एक पैकेट मिल जाता है होल सेल मार्केट के अंदर। आप किसी भी शहर में रह रहे होंगे, जैसे हम लोग लाहौर में रहते हैं तो लाहौर में बहुत सारी मार्केटें हैं, किसी भी सिटी में आप होंगे तो वहाँ पर इसकी होल सेल की मार्केटें मौजूद होती हैं, तो वहाँ से आराम से बासानी ये चीज़ें दस्तियाब होती हैं। तो एक 5 kg पैकिंग के अंदर सर इसके अंदर कितनी के बन जाएंगे तो आप हमें बना के दिखाएंगे? ये बिल्कुल। इसके अलावा सर और हमें क्या चाहिए होगा एक नए काम करने वाले के लिए? मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ पड़ी हुई चीज़ें छोटी छोटी सी, ये क्या चीज़ है? स्टेपलर मशीन है। ये स्टेपलर मशीन है जिसके साथ हम पैकेट को अपने अच्छे तरीके से पैक करेंगे और उसे मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। उसके लिए स्टेपल के साथ पिंस हैं। तो हमें शायद इसकी ज़्यादा बेहतर समझ ना आ सके, तभी हम भाइयों से दरख्वास्त करेंगे कि हमें काम करके दिखाएं, पैकिंग करके दिखाएं। तो इंशाल्लाह हम इसको बनाना का शुरू करते हैं, देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर है, हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों उन्होंने सारी निम्को जो उनसे खुले बर्तन में रख ली है, तब वो एक वो उसी में से एक गत्ते के साथ तो उसके अंदर थोड़े थोड़े डालेंगे। ये डाल के इनके पास बाद में एक कांटा पड़ा हुआ है, वो तोलने वाला स्केल है इनके पास, तो देखते हैं वो उसके अंदर इसका कितना वेट करते हैं और इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। ये इन्होंने तोला है इसको, देखें जैसा कि ये 30 ग्राम इसका वेट आ रहा है, 30 से 31 ग्राम आ रहा है इस पैकेट का वेट। हम इसे पैक करेंगे, 25 से लेकर 30 ग्राम तक के दरमियान हम इसे पैक कर सकते हैं। इसे पैक करने के लिए हम ये लाहौरी कार्ड है इसके ऊपर लगाते हैं। सबसे पहले हम इसे यूं पैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद इस पैकेट को इसके ऊपर रख के हम इसके ऊपर इस तरह से इसे बंद करेंगे। इसके बाद हम स्टेपलर का इस्तेमाल करेंगे, कुछ स्टेपलर के साथ इसे पेटेंट करके हमारा पैकेट एक तैयार हो जाता है। इसे एक पैकेट को आप साइड पर रख के दूसरा बनाएंगे। इस तरह दुकान पर इसे लटका लेगा। तो दोस्तों आपने देखा अभी इन भाइयों ने इसको सारे को तैयार किया है, ये इसकी फाइनल कंडीशन आई है। इस तरह करके जो इंसान है एक दुकानदार इसको हैंग कर लेता है। ये एक दर्जन की पैकिंग है, एक दुकान के ऊपर ये 80 रुपये का सेल करते हैं और दुकानदार आगे से इसको 120 रुपये का सेल करते हैं, यानी कि 10 रुपये एक पीस के हिसाब से। तो उस लिहाज से इस एक पैकेट के अंदर इनको जो इंसान 18 से 20 रुपये की बचत आती है। अगर आप एक दुकानदार पर जाते हैं तो दुकानदार कम से कम 2-3 पैकेट 4 पैकेट आराम से ले लेता है, और इसका जो सारा बहुत इजी और अच्छा कारोबार है, अच्छा काम है। जो सारा इसको अगर किया जाए तो आप इसको काम को आगे बढ़ा भी सकते हैं, और काम करना चाहें तो पार्ट टाइम के लिए भी इस काम को रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हमारे को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के एंड के ऊपर जो सारा हम इनके फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट आपको जो सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। अगर आप इनसे मज़ीद कोई हेल्प लेना चाहें तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर हेल्प इसकी भी ज़रूर देंगे। फीडबैक ज़रूर कीजिएगा, मैसेज में याद रखिएगा हमें।